Hello friends, today's topic is the Epidemic Disease Amendment Bill 2020. So why in news? The upper house, that is Raj Sabha, has passed the Epidemic Disease Amendment Bill 2020 on 19 September 2020. दोस्तों आपको पता ही है कि संसद का जो मानसून अधिवेशन अभी चल रहा है, बहुत छोटा अधिवेशन है और ये ऐसा बिरला अधिवेशन है जिसमें कोई क्वेश्चन आवर नहीं है, जिसमें कोई जीरो आवर नहीं है। और ये बेसिकली जो लाया गया इसलिए कि ऐसे जो ज़रूरी जो लेजिस्लेटिव एक्ट्स हैं उनको पूरा किया जा सके, या जो गवर्नमेंट ने कोविड के समय जो ऑर्डिनेंस पास किए हैं उन ऑर्डिनेंस को पास कराया जा सके। सो दिस मानसून सेशन इज़ ए वेरी यू नो यूनिक सेशन, सिंस देर इज़ नो जीरो आवर, देर इज़ नो क्वेश्चन आवर एंड देर इज़ नो प्राइवेट मेंबर बिल इन द मानसून सेशन, एंड दिस इज ब्रॉट टू कंप्लाई विद द लेजिस्लेटिव वर्क्स विच आर एसेंशियल और सो एज टू टर्न सर्टन एसेंशियल ऑर्डिनेंसेज इनटू एक्ट। सो The bill aims to publish the individual who attack on the health workers or the doctors among the COVID-19 pandemic. Now, what is Epidemic Disease Act? तो भारत में जो Epidemic Disease Act था वो 1897 में अंग्रेजी काल में, ब्रिटिश टाइम में 1897 में पास किया गया था और उस समय वो पास किया गया था टू फाइट एंड टैकल विद द बबूनिक प्लेग इन मुंबई। And the purpose of the Epidemic Act is to contain the epidemic, and it provides special power to the executive to implement certain programs, schemes, and executive orders so that they can contain the outspread, the outburst of such diseases. और जो भी महामारी अधिनियम होते हैं ये सरकार को, एग्जीक्यूटिव को स्पेशल शक्ति देते हैं ताकि उस महामारी के प्रसार को रोका जा सके। सो दिस बिल अगर हम बात करें इसकी दर्शन को, इसकी फिलॉसफी को, या व्हाई दिस बिल इज ब्रॉट, सो दिस बिल ट्राई टू पेनलाइज हैवी पेनल्टी अटैक ऑन द कोरोना वॉरियर्स एंड नाउ द कोरोना वॉरियर्स द हेल्थ केयर वर्कर्स कैन वर्क विदाउट एनी फियर। तो COVID-19 के समय आपको पता ही है कि कोरोना से जूझने में जितना भी मेडिकल स्टाफ है लगा हुआ है तो उनकी जान माल की रक्षा के लिए ये बिल लाया गया है और वो निश्चिंत होकर अपना काम कर सकें। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड द एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस इन 2020। तो दिस अमेंडमेंट वॉज इन द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 एंड वॉट इज द एम ऑफ द ऑर्डिनेंस टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द हेल्थ केयर वर्कर्स। दोस्तों 1897 का जो एपिडेमिक एक्ट था उसमें हेल्थ वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया था। तो वो आपको पता ही है कि व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस, द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस इज नॉट मेजर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रोमल्गेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस। जिस दिन से ऑर्डिनेंस जारी होता है उस दिन से ऑर्डिनेंस की एज नहीं नापी जाती। The maximum that the age of an ordinance is up to 6 weeks from the next session of the parliament after the promulgation of the ordinance. यानि अगर आज ordinance जारी हुआ आज से डेट नहीं लेंगे, ऑर्डिनेंस के बाद जब संसद का सेशन स्टार्ट होगा तो उसके फर्स्ट डे से 6 हफ्ते तक ऑर्डिनेंस की एज होती है। तो जो एपिडेमिक एक्ट में जो ऑर्डिनेंस सरकार ने पारित किया था 2020 अब वही अब एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द करंट बिल दैट इज एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट। नंबर वन, द अटैक्स ऑन डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स द कोविड वॉरियर्स नाउ विल बी ए ग्रेव ऑफेंस। तो भारत में इतनी बड़ी महामारी है, इस ऐसे केस में अगर डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स पे कोई अगर अटैक करता है, फिजिकल उनको बीट करता है, तो इसको अब एक बड़ा अपराध माना जाएगा, ग्रेव ऑफेंस माना जाएगा एंड ए जेल टर्म ऑफ अप टू 7 ईयर्स एंड फाइन अप टू 5 लाख। 7 साल तक की सजा हो सकती है, 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है
एंड काजेस टू बी इन्वेस्टिगेटेड विद इन 30 डेज एंड वर्डिक्ट विद इन ईयर, यानी बहुत ही टाइम फ्रेम और बड़े ही क्विकली ये काम होना है। इन्वेस्टिगेशन 30 दिन के अंदर और अंतिम निर्णय 1 साल के अंदर। और चौथी चीज़ है गिल्टी टू पे ट्वाइस द मार्केट वैल्यू ऑफ द डैमेज प्रॉपर्टी, यानी डॉक्टर की जो माल को जो नुकसान हुआ है उसका लगभग बाजार में जो मूल्य है उसका दुगना उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो खास खास बातें हैं, नाउ अटैक विल बी ऑन द डॉक्टर्स विल बी टेकन एज अ ग्रेव ऑफेंस एंड द जेल टर्म अप टू 7 ईयर्स, फाइन अप टू 5 लैक्स एंड केसेस विल बी इन्वेस्टिगेटेड इन ए टाइम बाउंड वे, 30 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट करना एंड वर्डिक्ट विद इन 1 ईयर एंड जो पेनल्टी है दैट इज ट्वाइस द मार्केट वैल्यू ऑफ द डैमेज प्रॉपर्टी। तो ये खासियत है। सीधी सीधी बात है कि नाउ थ्रू दिस बिल विच विल बी कमिंग अप एज एन एक्ट देर इज़ एन एटीट्यूड ऑफ जीरो टॉलरेंस इन द केस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द हेल्थ सेक्टर वर्कर्स। तो इससे सरकार ने क्लियर कर दिया कि अब ऐसे लोग जो डॉक्टर्स पर अटैक करते हैं उनके खिलाफ अब ऐसे केसेस में सरकार का टॉलरेंस जीरो होगा। एंड दिस बिल इंक्लूड द डैमेज टू बी कॉज ऑन द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, क्वारंटाइन आइसोलेशन फैसिलिटीज ऑफ पेशेंट्स और एनी अदर प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द हेल्थ केयर। और जो पेनल्टी होगी 50,000 से 2 लाख तक की होगी एंड ए जेल टर्म अप टू 5 ईयर्स होगा। सो अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, सो द एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट बिल विच विल बिकम एन एक्ट दैट विल नो डाउट इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल दैट द कोविड वॉरियर्स and this will give them it will give their premises, their workplaces safety. Now our health warriors can work without a fear in a better way, in a quality way. So this is a welcoming step to promote our health sector. Thank you very much.